अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं कुछ पुरानी पिक्चर देख रहा था, पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद भी देखूं और अपने दोस्तों से भी शेयर करूं। चले हम पुरानी पिक्चर देखते हैं। ये एल्बम है, ये एल्बम से कुछ ली की पिक्चर्स हैं, ये देखें। पिक्चर काफ़ी है, कोशिश करूँगा सबको करूँगा, स्लो एंड स्टडी दिखाऊंगा आपको। कुछ पिक्चर ऐसी होती हैं जो इंसान को बहुत सी यादें दिलाती हैं, लेकिन वो यादों की हद तक ही रह जाती हैं सब चीज़ें। ये काफ़ी पुरानी पिक्चर है मेरी, ये देखें। ये मेरे वालिद साहब की है, काफ़ी पुरानी पिक्चर है ये। ये मेरे बड़े भाई की शादी की पुरानी पिक्चर है, बीच में मेरे भाई हैं और साथ भी उससे बड़े भाई हैं, साथ कज़न है। सबके बारे में ब्रीफ तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन स्लो एंड स्टडी सबको दिखाता जा रहा हूं। अगर जूम करके देखा जाए तो उसको काफी क्लियर आएंगी। ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त मुजफ्फर खटक और अजमत साथ हैं, ये बड़ी पुरानी बड़ी इमाम की तस्वीर है। मेरे साथ खिजर और रिजवान, ये भी बड़ी पुरानी तस्वीर है कोटा की है, व्हेन आई वाज इन नाइन्थ क्लास। मुजफ्फर खट्टे के साथ मेरे बड़े भाई हैं। जो पिक्चर एल्बम पड़ी थी, काफ़ी फैमिली की पिक्चर हैं लेकिन एल्बम में मौजूद नहीं हैं, ज़्यादातर मेरी फ्रेंड की हैं। अली और रिजवान, ये भी काफ़ी पुरानी पिक्चर है बड़े भाई के साथ, ये देखें, यादें ही रह जाती हैं।
के फ्रेंड काजी हमन। सोचो मैं गुम मेरे फ्रेंड, ये ठटक मस्जिद से ली गई तस्वीर है। ये व्हेन आई वाज कराची रिजवान रियाद खिजर एहसान गुलजार, ये भी काफ़ी दोस्त हैं मेरे। ये दोस्तों के साथ एक मस्ती था, मस्ती करें। ये कुछ एयरफोर्स की यादें हैं। कुछ ही पिक्चर मेरे पास मौजूद थी। दोस्तों ये थी मेरी कुछ यादें। जब इंसान यादों में जाता है तो गुम हो जाते हैं, और कुछ ऐसी यादें होती हैं जो इंसान अपनी तहयात उनको लेके चलता है। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे एक नई नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।